इतने बड़े लेवल पर ऑलरेडी यहाँ पे काम हो रहा है, जैसे कि मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है और एक एक करके मशीनें चल रही हैं। अभी मैं राउंड अप करके सारे कैमरेज दिखा रहा हूँ। ये कौन सी मशीन है? पेपर लेमिनेशन मशीन है और यहाँ पे ऐसे करके एक प्रोसेस करके एक एक करके दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है सर, ऐसे क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? पेस्टिंग हो रहा है, पेस्टिंग हो रहा है। तो दोस्तों देख पा रही है, कपूर मशीन आपको ऑलरेडी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, नूडल मेकिंग मशीन। नूडल मेकिंग मशीन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं नंदलाल गुप्ता। कुछ लोग को डिमांड रहता भैया कि लघु उद्योग से वीडियो लेके आओ, तो फाइनली मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस महीने में कम से कम 8 से 10 वीडियो मैं आपको लघु उद्योग को लेने वाला हूँ। फाइनली एक दो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ, आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर एड्रेस की बात करें तो मैं गीडम आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखो गेट देख रहे हो, ये एक इंटरप्राइजेस करके हैं। यहाँ पे लघु उद्योग से सारी मशीनें ऑलरेडी, जैसा कि देख पा रहे हैं आपको यहाँ लघु उद्योग से सारी मशीनें ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे दोना पत्तल हो गया, अगरबत्ती की मशीन हो गई, बफर प्लेट की मशीन हो गई, कपूर बनाने की मशीन हो गई, अब पाउच बनाने की मशीन हो गई, सारी मशीनें ऑलरेडी यहाँ अवेलेबल हो जाएंगी। अब जैसे देख पा रहे हैं, एक बार राउंड अप करके दिखा रहा हूँ, तो अगर काम की बात करें तो बहुत ही बड़े लेवल पर ऑलरेडी इनका काम है। या हम देखेंगे रॉ मटेरियल जो भी सारे कटिंग होकर निकले ऑलरेडी इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इधर मैं दिखा रहा हूँ, तो इधर देखेंगे तो सारी मशीनें जो होती हैं इस तरीके से सारी मशीनें आपको देख पा रहे मिल जाएंगी। इधर देखेंगे ये आगे आते हैं तो देखेंगे इधर ये कटिंग मशीनें हैं करके, जैसे सारे के करके प्रोसेस दिखाएंगे भी आगे चल के, ऑनर से भी बातचीत करेंगे। तो ये सारे एक से मशीनें सारे मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेमिनेशन मशीनें। उधर देखेंगे कटिंग मशीन, इधर देखेंगे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे आप इस तरीके से सारे गत्ते लगे हुए हैं, कटिंग करके ये लोग रखे हुए हैं। जैसे आगे आते हैं तो इधर भी देखेंगे ये लेमिनेशन मशीन ऑलरेडी हम लोग बंद के सभी चालू करके भी एक एक करके मैं दिखाऊंगा। इधर देखेंगे तो ऑलरेडी ये प्रिंट कर चुके हैं, और इसके बाद ये जो प्रिंट करके हैं इधर देखेंगे तो दोना पत्तल जो बफर प्लेट मशीनें होती हैं, पत्तल होती हैं, ऑलरेडी पैकिंग करके रख दिए हैं। यहाँ पे आप जब जाते हैं तो ये भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। तो अगर कॉल करेंगे कुछ लोग अगर खरीद के बेचना चाहते हैं तो फाइनली मैं यहाँ कानर के पास आ गया हूँ। चलिए इनसे बातचीत करते पूरी जानकारी लेते हैं, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार। जो आपका ये फर्म है, फैक्ट्री है, किस नाम से है? एक एंटरप्राइज से सर। जी सर, एड्रेस की बात करते हैं, एड्रेस क्या होगा? इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर नंबर 13 सजनवा जी गोरखपुर। तो वैसे आपके यहाँ क्या क्या कौन कौन सी मशीनें बनती हैं और कौन कौन सी मशीनें अवेलेबल हो जाएंगी आपके? हमारे सर दोना पत्तल मशीनें बनती हैं जी, अगरबत्ती मशीन है सर, कपूर मेकिंग मशीन है, नूडल मशीन है, पापड़ मेकिंग मशीन है, फुल्की बनाने मशीन है जी, वाटर पाउच पैकिंग मशीन है, कॉर्गेशन प्लांट है जो बफर सीट रॉ मटेरियल बनाने वाली हो गई, रोल बनाने वाली, पेपर लेमिनेशन मशीन हो गई, इस तरीके की तमाम मशीनें अपने पास अवेलेबल है। अच्छा, अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो मशीनों की स्टार्टिंग प्राइस कितने से हो जाती है? दोनों पत्थर की सर मशीन स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 30,000 से हमारे पास स्टार्टिंग जो है, 30,000 से स्टार्टिंग है, 75,000, 80,000, 90,000 तक की है। ये सिंगल फेस की मशीन होंगे सर? सारी मशीनों में सिंगल फेस की होती है। नॉर्मल घर पे चला सकते हैं? बिल्कुल सर। तो जो सर आप मशीनें बता रहे हैं इसमें सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं या क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, एक साल की हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है ऑलरेडी लोग बोलते हैं प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम मैं देखूंगा कैमरे में बोल देते हैं, बट जब मशीन कोई ले लेता तो ऐसा रिस्पॉन्स लोग देते नहीं, इसका क्या कारण है? तो आपके यहाँ ऐसा तो नहीं होने वाला है? नहीं 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 सर, देख नहीं हो पा रहा है तो हम लड़का अपना भेजते हैं। अच्छा, तो जो लड़का 100% भेजते हैं? भेजते हैं। तो जो लड़का भेजते हैं उसको अलग से चार्ज लेते हैं या कुछ? हमारा कोई ऐसा कोई उसका सर्विस चार्ज नहीं होता है, जो आने जाने का खर्च हो 100-200, जो पेट्रोल खर्च लग जाए वो। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑलरेडी ये जो कैमरे में बोलना ऑलरेडी वही होने वाला जैसा कि इनका कहना, और ये 100-200 जो पेट्रोल का खर्चा रहेगा वो दूरी के हिसाब से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्शन की बात करते हैं, अभी किस किस आइटम का प्रोडक्शन करवा रहे हैं? अभी हम सर बफर थाली बनवा रहे हैं जी, और पेपर का जितना भी रॉ मटेरियल है जी वो हम बनवाते हैं। सर रोल हो गया आपका, बफर सीट हो गया आपका जी, और गत्ता हो गया आपको, जो भी कार्टून बॉक्स आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी जिस साइज की होगी वो हम आपको बना के अवेलेबल करा देंगे। अगर आपसे जुड़कर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी रखनी पड़ेगी, कितने पैसे में वो स्टार्ट कर सकता है? कम से कम सर मान के चलिए अगर मशीन को लेकर रॉ मटेरियल लेकर के चला जाए तो एक मशीन दोना पत्तल चालू करने के लिए सर कम से कम 70,000 है। 70,000? मतलब 70,000 बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? उसमें क्या क्या आप देंगे? उसमें क्या क्या देंगे आप 70,000 में? हम आपको एक मशीन देंगे, मशीन सिंगल डाई की डबल डाई की सर, उसमें रॉ मटेरियल हम देंगे जी। अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन कितने होती है? मार्जिन सर 30-40%, 30% का है। 30% हो जाता है, तो महीने का कोई 20-25,000 कमा सकते हैं आराम सर एक सिंगल डाई मशीन लगा करके जी। कोई रोजगार आदमी ढूंढ रहा है अगर थोड़ा बहुत बजट 25-50,000-60,000 लगा करके स्टार्ट कर लेता है तो वो मेरी गारंटी है उनका माल जो भी बनेगा मैं बाय बैक ले लूंगा। आप खुद खरीद सकते हैं? मैं खुद खरीद लूंगा दोना पत्तल जो भी होगा जी। ऐसा नहीं कैमरे में बोले ऑलरेडी प्राइस? अगर मैं हमारी इतनी फैक्ट्री है 60-70-80 लाख रुपए हम लगा कर रखे हैं जी जी, तो 50,000 में हम कितना कमा लेंगे? वो भी बात सही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ऑलरेडी अगर मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं
और प्रोडक्शन की बात करें, आप बना रहे हैं अगर नहीं ले पाते हैं तो ऑलरेडी जो भी माल बनेगा खुद भैया खरीद लेंगे। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ये प्रोडक्शन भी करवाते हैं दोना पत्तल की, कौन कौन सी प्रोडक्शन अभी करवा रहे प्रेजेंट है सर? अभी तो हम मोनली दैट फॉर बफर सीट, हम बफर सीट और बफर थाली हम बनवा रहे हैं। बफर सीट और बफर थाली किसी पास हो उतना बता, 70,000 ना बजट हो, किसी पास 5,000-10,000 हो, केवल आपसे जो थाली जैसे मैं देख पा रहा हूँ, सब कैमरे पर घुमाइएगा, इधर कुछ थालियाँ देख रही है जैसे इस तरीके से, अगर आप रेडीमेड यही लेके जाके बेचना चाहता है वो तो लेके जाता है, संजय घोष वो नहीं बेच पाता है तो उसके लिए आप रिटर्न लेते हैं, नहीं लेते हैं? ले लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल, कैमरे मैंने क्लियर कर दिया। इसके अलावा जो इनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहां से विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं, जैसे प्लांट में एंट्री कर दे कुछ इस तरीके का लोकेशन आपको देखने को मिल पा रहा होगा। अगर इस मशीन की बात करें सर, ये कौन सी मशीन है? कपूर मशीन। तो दोस्तों देख पा रही है कपूर मशीन, आपको ऑलरेडी मैं जूम करके दिखा रहा, ऑलरेडी पैक हो चुका था लेकिन आप लोगों को डिमांड में मैंने इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। अगर प्रेजेंट टाइम की कॉस्टिंग की बात करें, कितने कॉस्टिंग में आ जाएगी? 45,000 की आती है। तो ये आने के बाद कुछ कम रेट फिक्स होगा कि ये फिक्स है या कुछ कम भी हो जाएगा? हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते कुछ ना कुछ जरूर रेट कम हो जाएगा। इस तरीके से लघु उद्योग के सारी मशीनें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें और भी वैरायटी आती होंगी ना फिर? हाँ, इससे बड़ी मशीनें फिर आती हैं। वो कितने की आती है? वो सर स्टार्टिंग आपका 1,00,000 से। 1,00,000 से आती है। इधर मैं देख पर एक मशीन पूरा पैक है, ऑलरेडी लोग ओपन कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था थोड़ा सा, मतलब मैं दिखा रहा हूँ फिर भी। ये कौन सी मशीन है? ये सर अगरबत्ती मेकिंग। तो देख पा रहे हैं अगरबत्ती मेकिंग मशीन है, ऑलरेडी देख पा रहे हैं लकड़ी का ऑलरेडी ये अंदर पैक हो चुका है। और इसी कास्टिंग की बात करें कितनी आएगी? ये सर 65,000 के हमारे यहाँ से स्टार्टिंग है। आप देख पा रही जो अगरबत्ती की मशीन आपको दिखाई दे रही है केवल 65,000 मिलने वाली है, और बाकी मटेरियल भी अगर इसका सारा मिल जाएगा, मटेरियल खर्चा कितना आएगा सर? रॉ मटेरियल सर इसका खर्चा आता है 110 रुपये से किलो से लेकर के, बम्बू स्टिक है 20 रुपये किलो, प्रीमिक्स पाउडर 20 रुपये किलो, प्रीमिक्स पाउडर है। बम्बू स्टिक कितना है? 110 रुपये। 110 रुपये में कितना किलो हो जाए? 110 से लेकर के 130 रुपये किलो तक। अच्छा, 1 किलो में कितना चढ़ता होगा वो? 1 किलो में 3,500 से 4,000। 3,500 से 4,000 चढ़ता है। तो देख पा रहे हो इधर मिल जाएगा तार लेडी अगर 65 जा रही है। अच्छा, रॉ मटेरियल कितने की कॉस्टिंग आएगी? समथिंग सर वही 20 रुपये प्रीमिक्स। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि ये भी 65-70-80 हज़ार में स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों ये अगली मशीन कौन सी मशीन है भैया? ये नूडल मेकिंग मशीन। नूडल मेकिंग मशीन, इसका एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट आपको ये देखने को मिल जाएगा, ड्रायर होता है। इसकी कॉस्टिंग कितनी आती है? सब सर सेटअप मिलाकर के आपको 90,000 की पड़ जाएगी। मिल जाएगी ना? बिल्कुल, तो मार्केट में इजी तरीके से मिल जाएगा। इजी तरीके से मिल जाता है। इसका रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा? मैदा आता है सर। मैदा आता है, मतलब 1,00,000 में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके लघु उद्योग की सारी मशीनें आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप जब यहाँ पर कॉल करेंगे सारे डिटेल बताएंगे, बाकी चलते आगे और डिटेल आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। कुछ इस तरीके का लोकेशन आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पर ऑलरेडी यहाँ पे काम हो रहा है। जैसे कि मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पर काम हो रहा है और एक एक करके मशीनें चल रही हैं। अभी मैं राउंड अप करके सारे कैमरे दिखा रहा हूँ, फिर डायरेक्टली एक एक करके प्रोसेस दिखाऊंगा। तो सर जी इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या है, क्या रेट है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें एक बार बता दें। जैसा कि कौन सी मशीन है? ये पेपर लेमिनेशन मशीन है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पेपर लेमिनेशन मशीन है और बाउल के लिए दोना पत्तल के इसके रोल बनाया जाता है और पेस्टिंग जैसे बफर सीट बनानी है तो इस पे लेमिनेशन किया जाता है। लेमिनेशन किया जाता है, मटेरियल तैयार होता है, बफर सीट का मटेरियल तैयार होता है ना सर जी। तो देख पा रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके सारे प्रोसेस किस तरीके से, देख पा रहे हैं काम यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे हो रहा है, ऐसे ऐसे काम यहाँ पे होता है। उसके बाद सर अगर इसकी प्राइस की बात करें, कितने रुपये किलो देते हैं, मीटर से देते हैं, कैसे देते हैं, आप लोग एक बार बताते चलिए। अगर रोल लेते हैं दोना पत्तल दोना बनाने के लिए तो 1 किलो के हिसाब से आता है, और बफर सीट लेते हैं जी तो वो पीस के हिसाब से आता है। पीस के हिसाब से आता है। ये कितने रुपए किलो आता है? 50 रुपये लेकर के 60 रुपये किलो तक का आज के दो रेट। 1 किलो में मतलब कितना तैयार हो जाता होगा? 1 किलो आपका GSM के ऊपर निर्भर करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये ऐसे नॉर्मल GSM की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम जो लोग यूज कर रहे हैं, 4 इंच जो फुल्की बाउल ऑयल लेते हैं आप जी, तो जो 1 kg में 750 पीस तैयार होता है। 750। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट होगा? इसमें सर मंथली अगर अर्निंग की बात की जाए, अगर ये लेमिनेशन मशीन लगा करके तो 35 से 40,000 मशीन। दोस्तों आप लोग देखिए जैसा कि भैया कहना है इस बिजनेस को स्टार्ट करके 35 से 40,000 मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कूलेंट डाल रहे हैं, ये हीटिंग ना हो जाता है, इसलिए देखो ये कूलेंट भैया डाल रहे हैं, और इस तरीके से 35 से 40,000 आराम से ले सकते हैं। बाकी मैं एड्रेस और जो कॉन्टैक्ट नंबर है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से विजिट करेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से प्रिंटिंग हो जाना सर, ये लेमिनेशन हो गया ना फिर। अब लेमिनेशन होने के बाद फिर कहाँ जाता है? साइज कटिंग करेगा। अभी चालू होगा बंद होगा? फिर चालू हो जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आगे में आगे कौन सी मशीन है भैया? कॉर्गेशन मशीन है। तब देख पा रहे कॉर्गेशन मशीन फ्लोटिंग नाली बनाई जाती है, जो बफर सीट और गत्ते फ्लोटिंग फ्लोटिंग नाली बनाई जाती है ना, इससे फ्लोटिंग नाली बनाई जाती है। काफी बड़े लेवल पे ऑलरेडी मशीनें लगी हुई हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे करके एक प्रोसेस करके एक एक करके दिखाया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है सर? ये आपकी सीटर आती है, इससे साइज वाइज साइज कटिंग होती है आपकी। अच्छा, ये साइज वाइज साइज कटिंग हो जाती है, आप अपने हिसाब से कटवा सकते हैं। जी, आप अपने हिसाब से कटवा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अपने हिसाब से साइज बाई साइज कटिंग होती है, आप कटवा सकते हैं। तो ये सेट करते होंगे ना फिर कितना? ये गियर पे होता है। गियर पे होता है। अगर एक मशीन की बात करें कितनी कॉस्टिंग आती हुई? इसकी सर मशीन कॉस्टिंग आती है, पूरा अगर सेटअप लेते हैं सर जी, तो 10 से 11 लाख। ये महंगी आती है ना? पूरा सेटअप मान लीजिए, अगर जिसके पास बजट ना हो तो मुझे लगता है कि आपके यहाँ से अगर दोनों पत्तल खरीद के बफर प्लेट खरीद करके भी मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कितना खर्चा आएगा? कम से कम सर 30,000 से स्टार्टिंग रेंज हमारा। 30,000 से स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद ये जब कटिंग हो जाते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उसके बाद कहाँ जाते हैं आप लोग? ये कटिंग होने के बाद इसको पेस्टिंग पे जाते हैं। पेस्टिंग पे, जैसा देख पा रहे हैं आप लोग बफर सीट बनता है। ये भैया लोग काम कर रहे हैं, इधर मैं दिखा रहा हूँ, अगर देखेंगे क्वांटिटी की बात देख रहे हैं कितने बड़े लेवल पर ऑलरेडी यहाँ पे काम हो रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। भैया वैसे क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? पेस्टिंग हो रहा है। पेस्टिंग हो रहा है, पेस्टिंग कर रहे हैं भैया, पेस्टिंग कर रहे हैं। अरे पेस्टिंग की मशीन, मतलब आपके पास सारी प्रोसेस है यहाँ पे? देख पा रहे हैं भैया पेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे लोग लाइन से लाइन लगा रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये कैसा मतलब एक लेयर इसका जा रहा है, एक लेयर उसका आ रहा है? अच्छा, कॉर्गेशन इसके अंदर, ये प्रिंटिंग वाला ना लेमिनेशन जो कटिंग, देख पा रहे कटिंग एंड लेमिनेशन आ रहा। इसके बाद चिपक जाता क्या? कैसे चिपकाया जाता? अच्छा, उसमें गम लगा हुआ। अच्छा, देखेंगे गम पूरा लगा हुआ ऑलरेडी, क्लियरली थोड़ा देखेंगे शाइनिंग आपको आ रही होगी, ये गम लगा हुआ। अच्छा देखें, चिपक गया ये ऐसे, तो देख पा रहे हैं एक प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, यहाँ से देखेंगे। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता सर? ये सीटर आती है, 13x26x13x13, जो साइज आपको जो कटिंग करनी है इस वक्त आपको कटिंग करके मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे अब साइज जो 13x26 और कितना बोले हैं? 13x26 और 13x13 से साइज की जो कटिंग हो, कटिंग करके आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद अगला प्रोसेस देख पा रहा हूँ मैं, इधर दिखा रहा हूँ सीट ऑलरेडी, देखेंगे यहाँ बहुत सारी ये सीट ऑलरेडी कलर डिजाइन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इधर भी कलर डिजाइन में आपको मिल जाएंगे, इधर बहुत सारे कलर चार्ट करके डिजाइन आपको मिल जाएंगे, ये देख पा रहे होंगे। और ये भैया है जो डिजाइनिंग कर रहे हैं अभी दिखाने के करके, आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर ऑलरेडी। उसके बाद जैसे आप लोग यहाँ पाते हैं फिर ये सीट हो जाता है, कटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। देख पर मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे कटिंग होते हैं। अभी देखेंगे ये सारे मशीनें लोग काम कर रहे हैं, अभी इन लोगों से बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। इधर से पैकिंग हो रहा है, इधर कैसे कैसे प्रोसेस होता है, आप पूरी जानकारी लेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कौन सी मशीन है मैम, ये कौन सी मशीन है? क्या दोना पत्तल की कटिंग करने वाली मशीन आप ऑलरेडी देख पा रहे होंगे। इसका प्रोडक्शन की बात करते हैं, घंटे में कितना प्रोडक्शन हो जाता होगा? ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है। और देखिए ये गोल्डन कलर का ऑलरेडी कटिंग हो रहा है, दिखा रहा हूँ मैं एक बार, देख सकते हैं ऐसे करके। सर ये मशीन की कॉस्टिंग की बात, कॉस्टिंग कितनी आती होगी? ये मशीन कितने का आता होगा? कितना? 40,000। तो देख पा रहे हैं 40,000 सारी मशीनें मिल जाएंगी आपको ऑलरेडी यहाँ पे। और मैम ये घंटे में कितना प्रोडक्शन दे देता होगा? हाँ 500 से 700 प्रोडक्शन हो जाता होगा। और मार्जिन की बात करें सर, इसमें मार्जिन कितना होता होगा करीब? कितना? अच्छा, वैसे रिटेल में आप लोग रॉ मटेरियल निकाल के, वैसे ये जो पत्तल बन गया आपके यहाँ कितना निकलता होगा, ये कितने बिकता है? 2 रुपये 80 पैसा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये गोल्डन कलर में। ये थोक रेट है, होल सेल रेट अभी देखेंगे। और इसकी बात करिए जो है ये नॉर्मली सब अच्छा 280 रुपये को मिलने वाले। देखेंगे बहुत सारे ऑलरेडी मशीनें लगी हुई हैं और प्रोडक्शन ऑलरेडी हो गया था, आप यहाँ पे विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर पैकिंग हो रही है, इधर ये लोग पैकिंग कर रहे हैं एक एक करके, मैं दिखा रहा हूँ, देख पा रहे होंगे आप लोग पूरी पैकिंग यहाँ से हो रही है। और पैकिंग होने के बाद इधर डिलीवरी की क्या व्यवस्था सर? लोड होकर निकल जाएगी। अगर कोई अपने घर पर मंगवाना चाहता तो आप अवेलेबल करा देते हैं? नहीं करवा,